पंजाब में खेतों में फसल के अवशेष पराली को जलाना बिना रोक टोक जारी है, जिस कारण दिन में भी सड़कों को घने धुएं ने अपनी चादर ओढ़ ली है और वाहनों को भी दिन के समय भी हेडलाइट्स लगाने पड़ रहे हैं। जहां इस धुएं ने जीवन और यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं फसल के अवशेष को आग लगाना किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसान नेता बलवीर सिंह ने कहा कि हमारी मजबूरी थी कि हम फसल के अवशेष को आग लगाएं। अब सरकार ने जो मशीनें चलाई हैं अच्छा यत्न है, परंतु इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। किसान नेता निरंजन दोहला ने कहा कि सरकार जिन मशीनों को खरीदने की बात कर रही है, जो कि काफी महंगी है, उन्हें चलाने के लिए बड़े ट्रैक्टर की जरूरत होती है, और जो सरकार पराली को एकत्र करने वाली मशीन की बात कर रही है, वह पूरा प्रोजेक्ट 40 से 50 लाख का है, जो कि हर किसान के वश का नहीं है। बोलती है कि चॉपर, श्रेडर या रोटावेटर, ये मशीनरी है, किसान ले ले उसके उससे इसका निपटारा करे। वो मशीनरी बड़ी महंगी और उसको जो बड़ा ट्रैक्टर है वो खींचता है। इसके अलावा एक पराली बांधने वाले की गट्ठे बांधने वाली जो मशीन आई है, उसका जो सारा प्रोजेक्ट है वो 40 से लेके 50 लाख रुपए तक है, जो कि हर एक किसान के बस का रोग नहीं है। लेकिन जो दिल्ली वाले आप रौला पा रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के पराली फूकने से जो प्रदूषण हो गया, ये तो हम 20-25 साल से कर रहे हैं। 20-25 साल से जो पराली को आग लग दिया, तभी तो कोई दिल्ली में प्रदूषण हुआ नहीं। अब जो वो रौला पा रहे हैं, इस बार तो इतना भी हुआ कि 3-4 साल से अब तक 15% जो पराली है उसको आग नहीं लगाई जाती। किसान उसका निपटारा हाथ से कर लेता है, लेकिन ये किसान की मजबूरी है। जब सरकार हमें इसका कोई बदल दे देगी तो हम इसको आग नहीं लगाएंगे। ऐसे पिंजेगा, फिर उसके बाद रोटावेटर से उसको धरती में रलाएगा, उसके बाद प्लो से रलाएगा। इतना तो मशीनरी बहुत महंगी है और इतना जो खर्चा है किराए का, वो किसान नहीं दे सकता। इसका एक ही हल है, या तो सरकार इसको बीजना ही बंद कर दे, कोई ऐसा कानून बना दे कि सरकार किसान झोना ना बीजे, सो जा इसको आग लगे कि जा सरकार को इसका बदल दे। इसका बदल क्या है, जो नरेगा या मनरेगा स्कीम है उसका जो मजदूर है उसको किसान 5 एकड़ के किसान के साथ अटैच किया जाए, जो नरेगा का मजदूर है इसको पराली को किसान के खेत। सानू पता है जी भी असी झोने पराली नू अग लाउणे आ, भी इहदे नाल पोल्यूशन पैदा हो रहा है, पर इहदा हल भी कोई है नहीं। एक किसान किन्नी क पराली कित्थे इकट्ठी करूगा, जे गवर्नमेंट कोई इहदा हल करे, मशीनां देवे किसानां नू, ते मशीनां भी हुण जे पिंड च 2 मशीनां देतियां, उह की करनगियां? 2 मशीनां नाल तां कुछ भी नहीं होणा हैगा। 2 मशीनां जदों तक इक किसान तों दूजे किसान दी वारी आउणी आ, ते वाहन चों गिल खुश्क हो जाणी आ, अग्गे कणक नहीं होणी, इह तां मजबूर हां असीं तक लाउण नू। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ, ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋ ਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਜਲਾਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਆ ਹੈ, ਵਹਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਨੇ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 20-25 ਵਰਸ਼ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਕੇ ਵਰਸ਼ੋ ਮੇ ਆਗ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋ ਮੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵਹਿ ਫਸਲ ਕੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨੋ ਸੇ ਯਾ ਹੱਥ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾ ਤੋ ਧਾਨ ਕੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇ या फिर किसानों को कोई अन्य विकल्प दे। किसान अवतार सिंह ने कहा कि ये पिछले लंबे समय से जारी है, इस वर्ष तो आग का क्षेत्र काफी कम हुआ है, क्योंकि किसानों ने
मशीनों से अवशेष को नष्ट किया है, परंतु ये धुआं और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जहां किसान बढ़ रहे प्रदूषण तथा धुएं के कुप्रभावों को जानते हुए भी आग लगाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं, वहीं सरकार को भी जरूरत है इस और गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि इस खतरनाक धुएं से आम जनजीवन को प्रभावित होने से बचाया जा सके। पूरी है बीमारियां फैल रही है, बीमारियां से समझ है बीमारियां फैल रही है, कल्ला किसान ही ना बीमारियां फैला रहा है। पंजाब तो देखिए दिल्ली दूर है यहाँ से, पंजाब से जो पहले है टेस्ट है जो कि दिल्ली यूपी का प्रदूषण जो है पंजाब। सर नाड़ का सीजन चल रहा है, नाड़ जला रहे हैं लोग, धुआं जहरीला पैदा हो रहा है, इससे नुकसान ये है कि सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आँखों की बीमारियाँ हो रही हैं, स्किन डिजीज हो रही हैं, आम पब्लिक बहुत परेशान है इससे। ये भी रूप लग रहे हैं कि जो पंजाब में नाड़ का पोल्यूशन है ये दिल्ली को यही दूषित कर रहा है। नहीं, पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली को प्रदूषित करेगा ये तो बहुत मानने वाली बात नहीं, लेकिन पंजाब में पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली में पहले से ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर है, पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली जाएगा ये लगता नहीं कुछ। तो कहाँ से आता है दिल्ली को? सर दिल्ली के आसपास हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान लगता है, तो ये जो आसपास के स्टेट हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हरियाणा में भी नाड़ जलाई जाती है, उसका धुआं पहले दिल्ली जाएगा, पंजाब के बाद में होगा। तो लोगों को क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए? सर लोगों को अवेयरनेस ये रखनी चाहिए कि धुएं से बचें, जहरीला धुआं जितना भी बचा सकते हैं बचें, अपने बच्चों को बचाएं, बुजुर्गों को बचाएं, खुद भी बचें। तो ये पंजाब को ही नुकसान पहुंचाती है नाड़ का? सर पंजाब को तो जो आसपास रहेगा पंजाब में रहेगा, जहां भी आग लगेगी नाड़ के अंदर धुआं होगा, वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल जो भी स्टेट हो, जो भी जगह हो, नुकसान तो धुआं करेगा करेगा, कोई नहीं रोकेगा। नुकसान होता पर साढ़े में कोई हल्ले नहीं है, और करिए कैसे, साढ़ा खर्चे नहीं आते ना भी, ऐसे फूके बना अगलाए बना साढ़े लगे और कोई चारा ही। सर नाड़ का सीजन चल रहा है, नाड़ जला रहे हैं लोग, धुआं जहरीला पैदा हो रहा है, इससे नुकसान ये है कि सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आँखों की बीमारियां हो रही हैं, स्किन डिजीज हो रही हैं, आम पब्लिक बहुत परेशान है। ये भी रूप लग रहे हैं कि जो पंजाब में नाड़ का पोल्यूशन है ये दिल्ली को यही दूषित कर रहा है? नहीं, पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली को प्रदूषित करेगा ये तो बहुत मानने वाली बात नहीं, लेकिन पंजाब में पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली में पहले से ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर है, पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली जाएगा ये लगता नहीं कुछ। तो कहाँ से आता है दिल्ली को? सर दिल्ली के आसपास हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान लगता है, तो ये जो आसपास के स्टेट हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हरियाणा में भी नाड़ जलाई जाती है, उसका धुआं पहले दिल्ली जाएगा, पंजाब के बाद में होगा। तो लोगों को क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए? सर लोगों को अवेयरनेस ये रखनी चाहिए कि धुएं से बचें, जहरीला धुआं जितना भी बचा सकते हैं बचें। पुरी से अजार टीवी न्यूज़ के लिए हर्ष कौशल की रिपोर्ट।